हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन हियर। द क्वेश्चन सेज डिफरेंशिएट बिटवीन यू क्रोमेटिन एंड हेटरोक्रोमेटिन गिविंग वन स्ट्रक्चरल एंड वन फंक्शनल डिफरेंस ओनली। इसमें हमें डिफरेंस बताना है यू क्रोमेटिन और हेटरोक्रोमेटिन का बाय गिविंग वन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल डिफरेंस ओनली वन। लेट्स सी द कांसेप्ट हियर। की कांसेप्ट क्या है इधर दैट वी शुड नो अबाउट कि ये कहाँ पर यूज होता है यू क्रोमेटिन हेटरोक्रोमेटिन। देखो जब भी इसकी बात आती है ना पैकेजिंग ऑफ डीएनए, किसकी पैकिंग होती है इसमें पैकेजिंग ऑफ डीएनए। हमें डीएनए की पैकिंग करनी क्यों है एट फर्स्ट प्लेस के डीएनए की पैकिंग करनी ही क्यों है। डीएनए की जो लेंथ होती है ना वो होती है 2.2 मीटर की, ठीक है। और जो हमारा छोटा सा न्यूक्लियस है इसकी खुद की साइज ही बहुत छोटी है 10 to the power 6 मीटर। और आप देख लो कितना ह्यूज डिफरेंस है, वो खुद 10 to the power 6 में है और डीएनए की जो लेंथ है 2.2 मीटर है। इट्स वेरी ह्यूज डिफरेंस है ना, तो हमें डीएनए को रैपअप करना पड़ेगा। और डीएनए जो खुद होता है डीएनए इज ए नेगेटिवली चार्ज है ना, ये नेगेटिवली चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है ये। और हमें इसे किसी पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन से जोड़ना पड़ेगा सो दैट इसको हम रैपअप कर सकें और उसको कंजेस्टेड करके क्रोमोसोम में रख सकें। तो कैसे होगा ये सब, हम एक लेते हैं हिस्टोन ऑक्टामर। देखो हिस्टोन ऑक्टामर क्यों ले रहे हैं, ऑक्टामर क्यों बोलते हैं पहले तो इसमें, क्योंकि इसके अंदर होती है 8 प्रोटीन की यूनिट होती है, ठीक है। हिस्टोन एक पॉजिटिवली चार्ज यूनिट है, इसमें क्या होता है आर्जिनिन लाइसिन के अमीनो एसिड होते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, तो अब जो हमारा डीएनए है यहाँ पे, जो हमारा डीएनए है ये हिस्टोन ऑक्टामर जो मैंने यहाँ बनाया है दैट इज हिस्टोन ऑक्टामर, इसके अराउंड रैपअप हो जाएगा पूरी तरह से, हिस्टोन ऑक्टामर के अराउंड लिपट जाएगा ये डीएनए। कैसे, जैसे ये हिस्टोन ऑक्टामर है तो इसके अराउंड यहाँ पे हमारा डीएनए इसके ऊपर लिपट जाएगा ऐसे, इस तरह से। अब क्या होगा, ये वाली जो सिचुएशन बनी है हिस्टोन ऑक्टामर के अराउंड हमने डीएनए को लपेट दिया है, इसको बोला जाता है न्यूक्लियोसोम। क्या बोला जाता है इसको, न्यूक्लियोसोम। एक न्यूक्लियोसोम में, एक न्यूक्लियोसोम के अंदर 200 बेस पेयर होते हैं। तो आप देख रहे हो कि एक न्यूक्लियोसोम के अंदर हमने कितना सारा डीएनए लपेट दिया है, ठीक है। तो अब ये क्या करते हैं, न्यूक्लियोसोम आपस में मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं क्रोमेटिन। ये जो राउंड स्ट्रक्चर मैंने बनाई है वो न्यूक्लियोसोम है, और इनको कनेक्ट करने के लिए आपस में कनेक्ट कौन करता है, ये क्या है, ये H1 लिंकर डीएनए है, ये इनको लिंकर डीएनए बोला जाता है, H1 स्टोन है ये, इसको क्या बोला जाता है, लिंकर डीएनए। आपस में लिंक कर रहा है ना दो न्यूक्लियोसोम को, ये पहला न्यूक्लियोसोम हो गया तो दूसरा न्यूक्लियोसोम हो गया, आपस में कौन इनको लिंक करा, लिंकर डीएनए, ठीक है। तो ये वाली जो स्ट्रक्चर बनी है इसे बोला जाता है क्रोमेटिन। अब क्रोमेटिन वैसे तो वैसे ही पड़ा रहता है, क्रोमेटिन हमेशा क्रोमेटिन की स्टेज में होता है, पर जब हमें मेटाफेज की स्टेज चाहिए होती है, जब हमें कौन सी स्टेज चाहिए होती है, मेटाफेज की स्टेज, इसमें क्या होता है वो क्रोमोसोम बनाने लगते हैं, कंडेंस हो जाते हैं, क्रोमोसोम बन जाते हैं। तो मेटाफेज की स्टेज पे क्या होगा, ये क्रोमोसोम बनाने लगेंगे। देखो अब जो क्रोमेटिन है ना ये क्या बनाएगा, अब इसको बनाना है क्रोमोसोम, क्योंकि देखो जब मेटाफेज की स्टेज आती है ना तो क्रोमेटिन ऐसे क्रोमेटिन के रूप में नहीं रहेगा, उसको हमें कंडेंस से पैक करना पड़ेगा ताकि वो क्रोमोसोम बन जाए। तो उसके लिए आता है एनएचसी। एनएचसी क्या होता है, एनएचसी प्रोटीन है जिसका नाम है नॉन हिस्टोन, ये पैकिंग में मदद करेगा एक तरह से, समझ रहे हो, क्रोमेटिन की पैकिंग में मदद करेगा नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। ठीक है, अभी क्या होगा, क्रोमेटिन जो है नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन के अराउंड रैपअप हो जाएगा, और उसके बाद दो सिचुएशन होती है, इसके बाद दो सिचुएशन होगी, या तो क्रोमेटिन जो है हेटरोक्रोमेटिन बनाएगा, या वो जिस तरह से पैक हो रहा है वो यू क्रोमेटिन बनाएगा। अगर क्रोमेटिन बहुत ज्यादा डेंसली पैक है, डेंसली अगर पैक हो जाता है तो वो क्या कहलाएगा, हेटरोक्रोमेटिन, ओके। और अगर वो बहुत ज्यादा लूजली पैक है, मतलब इतना टाइटली पैक नहीं है क्रोमोसोम के अंदर जब भी वो बन रहा है, तो लूजली पैक है तो क्या बनाएगा, यू क्रोमेटिन बनाएगा। तो एक तो स्ट्रक्चरल डिफरेंस यही होगा कि स्ट्रक्चर में आप देखोगे तो जो हेटरोक्रोमेटिन है बड़े डेंसली पैक होते हैं, जब भी आप क्रोमोसोम देखेंगे तो बड़े डेंसली पैक दिखेंगे, उसमें स्पेस ज्यादा नहीं दिखेगा, और जो यू क्रोमेटिन होगा उसमें स्पेस दिखेगा, ठीक है। तो इसमें दूसरा डिफरेंस क्या हो सकता है, सेकेंड डिफरेंस जो है, हेटरोक्रोमेटिन जो होता है ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है। देखो थोड़ा सा समझो, हेटरोक्रोमेटिन जो होता है वो बहुत ज्यादा डेंसली पैक है तो उसमें जगह ही नहीं है बेसिकली, हम उसे ट्रांसक्रिप्शन कैसे करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए हमें डीएनए से आरएनए बनाना पड़ेगा। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, जब डीएनए से आरएनए बनाते हैं, है ना, जो हम ये यूक्रोमेटिन है ये लूजली पैक है, तो इसमें क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शनली ये एक्टिव होगा, क्या होगा, ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होगा, ये इसमें स्पेस है, ये डीएनए से आरएनए बना सकता है, ठीक है।
तो ये डीएनए से आने से बनाने काम आ रहा है। ये वाला यू क्रोमेटिन जो डीएनए है ये डीएनए से आने से बनाने काम आ रहा है, और हेटरोक्रोमेटिन जो है ये वाला डीएनए हमारे काम का नहीं है। ये डेंसली पैक होते हैं हेटरोक्रोमेटिन, इसलिए इनका जो स्टेन होता है बड़ा डार्क होता है, और इनका जो यू क्रोमेटिन होते हैं जो लूजली पैक होते हैं तो इनका स्टेन लाइट कलर का होता है, ठीक है, मतलब विजुअल अपीयरेंस इसका ऐसा दिखेगा। सो हमसे यही पूछा हुआ था डिफरेंस क्या बताना हमें यू क्रोमेटिन हेटरोक्रोमेटिन में। हेटरोक्रोमेटिन जो होगा वो डेंसली पैक होगा, जब भी हम क्रोमेटिन इसको रैपअप करेंगे एनएससी पर तो वो डेंसली पैक हो जाएंगे, तो क्रोमोसोम बड़ा डार्क दिखता है और ये ट्रांसक्रिप्शन ही इनएक्टिव है। तो स्ट्रक्चर में तो क्या डिफरेंस हो सकता है कि वो बड़ा डेंसली पैक है वो लूजली पैक है, ठीक है। और जो दूसरा हमसे फंक्शनल डिफरेंस पूछा है उसमें क्या बोल सकते हैं कि जो हेटरोक्रोमेटिन है वो ट्रांसक्रिप्शन इनएक्टिव है, क्योंकि देखो वो बहुत ज्यादा डेंसली पैक है, वो डीएनए से आरएनए नहीं बना पाएगा, ठीक है, आरएनए काम नहीं करेगा ना, आरएनए प्राइमरी काम नहीं करेगा उस पर, आरएनए प्राइमरी तो इनिशिएट करता है ट्रांसक्रिप्शन को, अगर वही काम नहीं कर पा रहा है वहाँ पे हेटरोक्रोमेटिन में तो कैसे बनेगा वो डीएनए से आरएनए, ठीक है। तो ये फंक्शनल डिफरेंस हो गया इनका कि फंक्शन में वो काम नहीं कर रहा और वो ट्रांसक्रिप्शन ही एक्टिव है जो यू क्रोमेटिन है हमारा, ठीक है। होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल, बेस्ट ऑफ लक।